सो हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सीए फाइनल एससीएमपी के प्राइसिंग डिसीजंस की। कैसा है ये चैप्टर? बिल्कुल इजी। कौन सी कैटेगरी में आता है? तो बी कैटेगरी का चैप्टर है, ए कैटेगरी में इसे नहीं बोल सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ बता दूँ, अपने पोटेंशियल के हिसाब से अभी तक ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, यानी इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अभी जब मैं थियोरी ऑफ प्राइसिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझ आएगा, बट अभी उस पोटेंशियल के हिसाब से क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए नहीं है। बट यू नेवर नो, आईसीआई कब इजी चैप्टर्स को मुश्किल बनाकर मुश्किल क्वेश्चन पूछने लग जाए, यू नेवर नो। सो हमें इसको भी ध्यान से पढ़ना है। जैसे इस बार अगर मैं डिस्कशन करूँ जुलाई 21 एग्ज़ाम्स में चैप्टर नंबर 8 है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन वाला, और वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता था रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक था रेजिडुअल इनकम। इन दोनों को कंबाइन करके एक इस बार इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है जिसने सबको ही परेशानी में डाला है एग्ज़ाम में, जबकि वो बहुत टफ नहीं था, जस्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना होने की वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को तकलीफ देने वाला। सो वही बात है, ये चैप्टर नंबर 7 भी वैसे तो इतना टफ नहीं है, बट इसका पोटेंशियल बहुत हाई है। सो हमें इसको ध्यान से करना है। तो इस वीडियो में सारे इलस्ट्रेशंस, सारे क्वेश्चंस टेस्ट योर नॉलेज के हम कवर करने वाले हैं, और थियरी हम यहाँ पर जितनी रेलेवेंट फॉर क्वेश्चंस होगी उतनी ही टच करने वाले हैं, बिकॉज आई एम प्रिज्यूमिंग कि थियरी आप ऑलरेडी कर आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर का ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में करना है और हाउ इम्पॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज। बात कर रहे हैं थियरी ऑफ प्राइसिंग डिसीजन के बारे में, और थियरी ऑफ प्राइस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्राइस कितना होना चाहिए ये बताता है थियरी ऑफ प्राइस। सो इस चैप्टर के बाद आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए और कितना है। सो एक्चुअल में आपको उसको बाय या सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में बात होती है, ये जर्नली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आपको ज्ञान दे रहा हूँ, और ये जर्नली हमने अपनी प्लस टू में पढ़ा हुआ है, अगर आपने इकोनॉमिक्स को अच्छे से किया होगा। सो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ कर आए हैं और यहाँ पर उसका एलैबोरेटिव डिस्कशन होगा। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। वेल, मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रखकर जब हम ऑप्टिमम प्राइस कैलकुलेट करते हैं सो वो कहलाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल की थीम ये है कि अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट किसी पर्टिकुलर जगह पर आकर इक्वल हो जाता है तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम ऑप्टिमम क्वांटिटी और वहाँ पर आने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस को ऑप्टिमम प्राइस बोलते हैं। क्वेश्चन में हम ज़्यादा समझेंगे। उसके बाद प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात की हुई है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली में या मोनोपोली में किस तरीके से प्राइसिंग डिसीजन लिए जाते हैं, वो थियरी पोर्शन है। सो इस पोर्शन को हम कवर नहीं करेंगे। सो इन दोनों में से बेसिकली ये वाला पोर्शन हम कवर करने वाले हैं और ये वाला नहीं करने वाले हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं प्राइसिंग पॉलिसीज। व्हाट शुड बी द प्राइसिंग पॉलिसी? अलग अलग तरीके की प्राइसिंग पॉलिसी होती हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी। सो व्हाट वी शुड अडॉप्ट? अगर हम जियो हैं तो हमने पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, अगर हम एप्पल हैं तो हमें स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। उसका रीज़न R&D कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एप्पल जैसे प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पे स्कीमिंग प्राइसिंग ज़्यादा अच्छी रहती है जिसमें हम इनिशियली हाई प्राइस चार्ज करते हैं और लेटर ऑन प्राइस को कम करते जाते हैं। दैट्स एन ओवरव्यू ऑफ द प्राइसिंग पॉलिसीज। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग के। क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? तो ये दिया हुआ है प्राइस सेंसिटिविटी एंड प्राइस कस्टमाइजेशन। प्राइस डिसाइड करते वक्त हमें वो प्राइस सेंसिटिविटी ज़रूर चेक करनी होती है। आपने प्लस टू में पढ़ा हुआ ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना फ़र्क आ रहा है। वेल, दैट इज़ समथिंग विच दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट। एंड नेक्स्ट है प्राइस कस्टमाइजेशन। रोल्स रॉयस आपने सुना होगा अपने कस्टमर्स के लिए गाड़ियों को कस्टमाइज करते हैं वो लोग, या आपने इंडिया में एक बहुत फेमस कार मेकर हैं DC के नाम से,
मुझे इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, बट डीसी के नाम से कार मैन्युफैक्चरर हैं और ये कार्स को मॉडिफाई करते हैं, कस्टमाइज करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो इन लोगों को जब ये ऐसे कस्टमाइजेशन करनी होती है तो क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए, वो डिस्कशन हम यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो ये भी थियरी पोर्शन है पूरा का पूरा। उसके बाद आता है प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसीज। वेल, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट इस चैप्टर में तो इसका माइनर से माइनर 1% पोर्शन ही टच किया गया है, बट ये सिर्फ थियरी पोर्शन डिस्कस किया हुआ है, इसके कोई प्रैक्टिकल्स नहीं है दोस्तों यहाँ पर। आगे प्राइजिंग मेथड्स हमें अलग अलग दिए हुए हैं, जो जिनका क्वेश्चन भी आ सकता है तो हम डिस्कशन करेंगे। रिसेशन में हम क्या प्राइजिंग रख सकते हैं, और क्या हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे कभी प्राइस को रखेंगे? बिल्कुल रखा जाता है। अगर आप सब्जी मंडी में चले जाएंगे तो जिस दिन तो प्रोडक्ट यानी कि कोई वेजिटेबल बिल्कुल फ्रेश होती है तो वो अपने मार्केट प्राइस पर सेल की जाती है, बट जब 4-5 दिन बाद वो ऑब्सोलीट होने लगती है या पुरानी होने लग जाती है तो कभी कभी जो वेंडर होता है वो उसे अपनी वेरिएबल कॉस्ट से भी कम पर बेचता है, बिकॉज नहीं बेचेगा तो वो वैसे भी ख़राब हो जाएगी। तो एक्चुअल में आप ये चीज़ भी समझ लीजिए कि कभी कभी हम कॉस्ट से भी कम पर चीज़ों को बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा प्रॉफिट में ही बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे, ऐसा नहीं होता है। एंड यस, सर्विसेज के प्राइजेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज के प्राइजेस कैसे डिसाइड किए जाएंगे? कभी सोचा है रिटर्न फाइलिंग के 500, 300, 400 कितने चार्ज करने चाहिए? वेल, दैट्स समथिंग विच इज अब डिस्कस्ड हेयर, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो यहाँ लिखा है वो सिर्फ यहाँ के हिसाब से है, एग्जाम के हिसाब से है, प्रैक्टिकली आप भी जानते हैं कि कैसे होता है। ओके, उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्राइजिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, सो स्कीमिंग और पेनिट्रेशन। जैसा कि मैंने बोला, जो जियो है हमारा वो पेनिट्रेशन फॉलो करता है, और जो एप्पल है हमारा वो स्कीमिंग प्राइजिंग फॉलो करता है। ओके, और लास्ट में है प्राइजिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। भाई, लाइफ साइकिल अगर आपने कॉन्सेप्ट किया हुआ है मेरे साथ मेरी पुरानी वीडियोज़ में, सो ये समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ी बहुत डिस्कशन इसकी कर चुका हूँ। चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे दिया है आपको, ठीक है। एक एक प्रैक्टिकल पोर्शन और इलस्ट्रेशन को कवर करूँगा और 100% कवर करूँगा। इट्स जस्ट जो थियरी पोर्शन है बहुत रेलेवेंट नहीं है, बट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है, ठीक है। स्टिल आपको लगे कि थियरी कवर करनी चाहिए तो प्लीज़ बताना, हम उसे भी कवर कर लेंगे। फिलहाल आते हैं अपने फर्स्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को फटाफट से। ईजी चैप्टर, छोटा चैप्टर। चलिए पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या बोला हुआ। एग्जाम्पल नंबर 1 है दोस्तों, जी हाँ, ये है थियरी ऑफ प्राइस, या फिर जिसे मैंने बोला था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, यानी PMP, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। आदित्य हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस इट्स ओनली प्रोडक्ट A7। तो ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है A7, मोबाइल लगता है सुनने से। तो टू मैन्युफैक्चर अ यूनिट ऑफ A7 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 220 इज इंकर्ड। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2,20,000 रुपये की कॉस्ट आती है। एंड मार्केट रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 510 नो ऑर्डर विल बी रिसीव्ड। अगर मैं प्राइस को 5,10,000 रख दूं तो एक भी ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं होगा। ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों, किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। बट द डिमांड फॉर A7 विल बी इंक्रीज बाई 2 units विद एवरी 5,000 रिडक्शन इन द यूनिट सेलिंग प्राइस। जैसे जैसे हम 5,10,000 से प्राइस को कम करेंगे, कितने से, 5,000 से, मेरी जो क्वांटिटी है वो 2 pieces से बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सपोज कर लो 5,10,000, सपोज़ क्या, एक्चुअल में हमें दिया ही हुआ है 5,10,000, वो अमाउंट है जहाँ पर 0 demand मेरी प्रोडक्ट की होगी, ठीक है। यानी अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूँ, सो एट प्राइस ऑफ 5,10,000 rupees मेरी क्वांटिटी डिमांडेड होगी 0। बट जैसे ही मैं इस प्राइस को 5,05,000 कर दूंगा, मेरी क्वांटिटी हो जाएगी 2। वैसे ही अगर मैं इसे 5 lakh कर दूंगा दोस्तों, जी हाँ, अगर मैं इस 5,05,000 को 5 lakh कर दूंगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी 4। तो जैसे जैसे 5,000 का प्राइस में डिक्रीज होगा, मेरी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी 2 units से।
इस लाइन का तो ये मतलब है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं। टू डिटरमाइन द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ A7 दैट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ AHEL, वी अज्यूम दैट सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ A7 इज P एंड क्वान्टिटी डिमांडेड इज Q। उन्होंने कहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम P से डिनोट करेंगे और क्वान्टिटी डिमांडेड को Q से डिनोट करेंगे। डजंट मैटर, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट इज 2,20,000। आपने नोटिस किया वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही बात होती है और दोनों ही क्या दी हुई है 2,20,000 रुपीस। ओके, अब हमें प्राइस इक्वेशन ऑफ A7, मतलब क्वेश्चन की डिस्कशन अब एक्चुअल में यहाँ से शुरू उन लोगों ने की हुई है। बेसिकली इस क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या है, ये जो डेटा हमें दिया हुआ है इसका मेन मोटिव क्या है, इस पूरे क्वेश्चन का मेन मोटिव है कि हमें ये जो प्रोडक्ट है A7 इसका प्राइस निकालना है। दैट व्हाट शुड बी द प्राइस एट विच वी शुड सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जहाँ पर हमें बताया हुआ है कि 5,10,000 में तो एक भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। देखो प्राइस निकालना है तो प्राइस की सिंपल सी इक्वेशन होती है जिसे हम बोलते हैं A-PQ। ये सॉरी एक मिनट के लिए, प्राइस की इक्वेशन होती है दोस्तों A-BQ, ठीक है जी। और ये आपको प्लस टू में आपने पढ़ा हुआ है तो याद होगी, नहीं पढ़ा हुआ तो अब समझ लो। जहाँ पे ए का मतलब होता है वो यूनिट्स जहाँ पर वो प्राइस जहाँ पर डिमांड आपकी ज़ीरो होगी, यानी मेरे केस में 5,10,000 वो प्राइस है जहाँ पर मेरी डिमांड क्या होगी ज़ीरो। एंड व्हाट इज़ दिस बी दोस्तों, बी स्टैंड फॉर दिस स्लोप, बी को हम बोलते हैं स्लोप। और ये हमें क्या बताता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज करें कि प्राइस में कुछ अमाउंट ऑफ चेंज आ जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि मैं कितनी क्वांटिटी में चेंज लाऊं, या सॉरी कितने प्राइस में चेंज लाऊं, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, वन सेकंड, कितने प्राइस में चेंज लेकर आऊं कि मेरी क्वांटिटी चेंज होना शुरू हो जाए। जैसे हमारे पर्टिकुलर केस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, लेट मी जस्ट क्लीन दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए हमारे पर्टिकुलर केस में हमारा स्लोप अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, चेंज इन प्राइस कितना मैं कर रहा हूँ, अगर मैं 5,000 से प्राइस को चेंज करूँ तो मेरी क्वांटिटी में कितना चेंज आता है, 2 यूनिट्स का चेंज आ जाता है। यानी कि अगर मेरी स्लोप की बात करूँ तो मेरी स्लोप जो है वो आ जाएगी 2500 यूनिट्स। हालांकि यूनिट्स लिखना यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है, बट जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए भी है और बी भी आ गया है, एंड क्वांटिटी इज समथिंग विच वी नीड टू फाइंड आउट माई डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो अगर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस, आ जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना करते हैं शुरू। तो मेरा प्राइस क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर मैं अपने प्राइस की बात करूं, प्राइस की इक्वेशन है A-BQ, मेरा प्राइस ए है 5,10,000, मेरी स्लोप आ गई है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और ये आ गया मेरा क्यू, ठीक है। तो मेरा पी की अगर मैं सॉल्व करूं इसको फर्दर, मेरा प्राइस जो ऑप्टिमम प्राइस है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 5,10,000 माइनस 2,500 क्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर वन आ गई है दोस्तों। सिमिलरली एक और इक्वेशन का हमें यूज़ करना होगा ऑप्टिमम प्राइस को निकालने के लिए। वो इक्वेशन क्या कहती है, वो कहती है दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये वो नंबर ऑफ क्वांटिटी है जहाँ पर हमारा ऑप्टिमम प्राइस निकल कर आएगा किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्वेश्चन में मुझे दी हुई है 2,20,000 रुपीस। मार्जिनल कॉस्ट और कुछ नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट को ही हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और मार्जिनल रेवेन्यू मेरा कितना होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर अराइज होता है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों A-2BQ। प्राइस का फॉर्मूला क्या था, A-BQ। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A-2BQ। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं A-2BQ की वैल्यू, और वो क्या होगी, वो होगी 5,10,000, दैट इज़ A-2
इंटू बी, बी की वैल्यू है 2500 इंटू क्यू और इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 220,000 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब क्यू के लिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ, सो ये क्यू के लिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5,10,000 माइनस 2,20,000 और इधर आ जाएगा मेरा 5,000 क्यू। 5,000 कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई बाय में 2500 और क्यू की वैल्यू एक बार के लिए सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से। 5,10,000 माइनस 2,20,000 डिवाइड बाय में 5,000, सो क्यू की वैल्यू मेरी आ जाती है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से 58 यूनिट्स की, यानी मुझे ऑप्टिमम यूनिट्स का पता चल गया है दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, 58 यूनिट्स बेचने पर मेरा ऑप्टिमम प्राइस मुझे निकलेगा, ऐसा मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन से समझ आ गया है। तो समय ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं प्राइस की इक्वेशन में क्यू की वैल्यू को इंसर्ट करने वाला हूँ। प्राइस है 5,10,000 माइनस 25 क्यू और क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है 58, सो 58 इंटू 2500 ये आ गया 1,45,000 माइनस 5,10,000, सो मेरा ऑप्टिमम प्राइस निकल कर क्या आएगा, वो आएगा 3,65,000 रुपीज़। सो वट इज़ माई ऑप्टिमम प्राइस फॉर माई प्रोडक्ट A7, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है और वो है 3,65,000 रुपीज़। ये एग्जाम्पल यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आई होप अब आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस निकाल सकते हैं। आइए ICAI ने क्या आंसर किया है वो देख लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में तो ICAI ने क्या किया है वो ज़्यादा मैटर करेगा। जी हाँ, इन्होंने सब प्राइस निकालना था तो इन्होंने प्राइस की इक्वेशन ली। प्राइस को जब इन्होंने इक्वेशन को फुलफिल किया तो इनके पास ये इक्वेशन बनकर आई, सेम इक्वेशन हमने भी बनाई थी। रेवेन्यू, रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो इन्होंने इस इक्वेशन को यूज़ किया है, दे आर डूइंग नथिंग, जस्ट दे आर फाइंडिंग दी मार्जिनल रेवेन्यू जो हमने निकाला था ए माइनस टू बी क्यू की इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, इन्होंने रेवेन्यू निकाला और वो आया कुछ इस तरीके से। मार्जिनल रेवेन्यू की देखिए इन्होंने सेम इक्वेशन यूज़ की है और इन्होंने फाइनली मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लिया है। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ नथिंग बट प्राइस को ही बोल सकते हो आप मार्जिनल रेवेन्यू, कि एडिशनल कितनी यूनिट्स बेचेंगे कि प्राइस में चेंज आएगा। और मार्जिनल कॉस्ट हमारी 2,20,000 की है, हेंस क्वांटिटी यहाँ पे 58 यूनिट्स की आ गई और प्राइस की इक्वेशन में जब मैंने डाला तो मेरी प्राइस आ गई 3,65,000 रुपीज। नाउ यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाई दे हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, बिकॉज इसका कोई रेलेवेंस लगता नहीं है। वेल, फ्रेंकली स्पीकिंग, इसकी यहाँ नीड नहीं थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में ही बोला कि अगर ये चैप्टर अपने पोटेंशियल से पूछा जाने लग गया तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के केस में हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ सकता है। बट उसके डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे हमारी पादुका पब्लिकेशंस की बुक से, तब वहाँ पर मैं इस इक्वेशन का रिलेवेंस आपको समझाऊँगा। बट एज ऑफ नाउ ये इक्वेशन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर एक बार कोट करनी ही चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे इसका यूज़ हो चाहे ना हो। सो ये पर्टिकुलर एग्जांपल इतना टाइम डिजर्व नहीं करता था जितना मैंने दिया, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर श्योर। ठीक है जी, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन बहुत अलग क्वेश्चन है, लॉग और एंटी लॉग। लॉग मतलब आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ LOG वाले लॉग की, जो प्लस टू की मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है उसके साथ ये डील करता है। पुरानी अगर ये फाइनल AMA की बात करूँ, जो पुरानी कॉस्टिंग है, वहाँ पर तो लॉग के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन थे, बट नए वाले जो सिलेबस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर वो लिमिटेड से हैं और उनमें से, उन लिमिटेड क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आइए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डिस्कशन शुरू करते हैं और लॉग के जो कुछ लॉगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैं आपको, जो सिर्फ रेलेवेंट हैं इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के लिए, उतने आपके साथ डिस्कशन कर लूँगा। तो शुरू करते हैं। बॉश लिमिटेड हैज़ डेवलप अ स्पेशल प्रोडक्ट
डिटेल्स आर एज फॉलोअर्स, द प्रोडक्ट विल हैव अ लाइफ साइकिल ऑफ 5000 यूनिट्स। सो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल दी हुई है 5000 यूनिट्स की। इट इज एस्टिमेटेड दैट मार्केट कैन अब्सॉर्ब फर्स्ट 4500 यूनिट्स एट 64 पर यूनिट। सो पहले 4500 यूनिट्स 64 पर यूनिट के रेट पर ये लोग बेच पाएंगे आउट ऑफ द टोटल 5000 यूनिट्स, एंड देन द प्रोडक्ट विल एंटर द डिक्लाइन स्टेज। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आई होप आपने पढ़ा हुआ है मेरे साथ पुरानी वीडियोज में, जहाँ पर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन चार स्टेजेस होती हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि किसी प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्टेज में प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। माय गॉड, इंटरलिंकेज समझ पा रहे हो दो कॉन्सेप्ट्स की आपस में। डिक्लाइन स्टेज में क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। चलिए, क्या डेटा दिया हुआ उसके लिए हमें। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है 6 पर आवर, अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 19 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी इंकर होंगी ओवर द लाइफ साइकिल। तो पूरे 5000 प्रोडक्ट्स बनाने में 40,000 की फिक्स्ड कॉस्ट इंकर होने वाली है। लेबर रेट एंड बोथ ऑफ दीज कॉस्ट विल नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, बट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से उन्होंने बोला है कि ये पूरे 5000 यूनिट्स बनाने में इन दोनों कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। फाइन, द फर्स्ट बैच ऑफ 100 यूनिट्स विल टेक 1000 लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस। फर्स्ट 100 यूनिट्स बनाने में हमें 1000 लेबर आवर्स लगेंगे, और हम जानते हैं जब हम नया नया किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आगे बात करते हैं, देयर विल बी एन 80% लर्निंग कर्व। ओह माय गॉड, दिस इज द मेन जान है क्वेश्चन की। देयर विल बी एन 80% लर्निंग कर्व दैट विल कॉन्टिन्यू अंटिल 2500 यूनिट्स। देखो, क्लियर सी बात है, मैं टोटल 500 यूनिट्स बनाने वाला हूँ और टिल 2500 यूनिट्स लर्निंग कर्व का इफेक्ट एग्जिस्टेंस में रहेगा। अगर आपने लर्निंग कर्व की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें क्लियरली मेंशनड है कि कुछ लिमिट तक, कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज तक लर्निंग कर्व का इफेक्ट रहता है और उसके बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो टोटल 5000 यूनिट्स में से पहली 2500 यूनिट्स तक लर्निंग कर्व का इफेक्ट रहेगा। और कितना लर्निंग कर्व है, 80% के लर्निंग कर्व पर हमारे वर्कर्स काम करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, बैचेस आफ्टर दिस लेवल विल ईच टेक द सेम अमाउंट एज द 25th बैच। और 25th बैच में मुझे जो टाइम लगा वही रिमेनिंग 25 बैचेस में मुझे लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि पहले 25 बैचेस में जो टाइम लगेगा और जो बाद वाले 25 बैचेस में टाइम लगेगा उसमें वेरिएंस हमें देखने को मिलेगा, जो अभी हम सॉल्व भी करेंगे। और एक डेटा दिया हुआ है दैट द बैच साइज विल ऑलवेज बी 100 यूनिट्स। वेल, इस क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो बैच साइज को चेंज भी किया जा सकता है, बट यहाँ पर फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस उन्होंने इसे 100 यूनिट्स पर स्टिक किया है। एनी हाउ, अच्छा है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट सेज कैलकुलेट द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द फाइनल 500 यूनिट्स। डिक्लाइन स्टेज में जो 500 यूनिट्स मुझे सेल आउट करनी है उसका क्या प्राइस होना चाहिए। समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये एक तरीके से। That will allow the company to earn a total profit of 80,000 from the product. Product के total 5,000 units throughout its life cycle मैं बेचने की सोच रहा हूँ। और इन्होंने requirement क्या बोली, इन्होंने कहा कि हमें उन 5,000 units से 80,000 का profit earn करना है, ऐसा हमारा desire है। So हमें इन 500 units का कितना price charge करना चाहिए। 24 बैचेस में लगने वाला एवरेज टाइम हमें दिया गया है, लर्निंग कोफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है और ये एग्जाम में आपको दी हुई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कुछ लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन आप समझ चुके हैं और अब हम इसकी डिस्कशन करने शुरू कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आइए डिस्कशन को करते हैं शुरू। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे क्लियर कर लीजिए क्योंकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है एक बार तो ये समझ लेते हैं। हमें प्राइस निकालना है यारों, प्राइस किसका, 500 यूनिट्स का। कौन सी वाली 500 यूनिट्स, जो डिक्लाइन स्टेज में मुझे सेल आउट करनी है।
टोटल 5000 यूनिट्स मैं बनाने वाला हूँ, जिनमें से पहली 4500 यूनिट्स तो मैं मजे से 64 के प्राइस पर बेच पाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये जो एंड की 500 यूनिट्स हैं, क्योंकि ये डिक्लाइन स्टेज में होंगी, तो इसमें मुझे क्या प्राइस चार्ज करना है ये मुझे कैलकुलेट करना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसमें फर्दर डेटा दिया हुआ है कि आउट ऑफ दीज 5000 यूनिट्स पहली 25 यूनिट्स पर लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट रहेगा, बट जो डिक्लाइन स्टेज में यूनिट्स होंगी वहाँ पर एक फिक्स टाइम ऑफ टाइम हमें इंकर होगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आंसर को करते हैं शुरू और बाकी की कहानी समझेंगे आंसर के ही थ्रू। देखिए, लर्निंग कर्व मॉडल कहता है दैट वाई इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू पावर बी, ये है हमारी लर्निंग कर्व मॉडल की इक्वेशन, ठीक है, जिसमें वाई क्या होता है दोस्तों, वाई टेल अस अबाउट द एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी लेट से अगर मुझे 2500 यूनिट्स बनानी है तो मुझे एवरेज टाइम पर बैच कितना लगेगा वो बताता है वाई। सो वाई हमें क्या बताता है, वाई टेल्स अस अबाउट द एवरेज टाइम पर बैच दैट इज गोइंग टू बी इंकर्ड बाय अस। ओके, ए क्या बताता है दोस्तों, वेल ए टेल्स अस अबाउट द टाइम दैट इज गोइंग टू बी टेकन फॉर प्रोड्यूसिंग दी फर्स्ट बैच। सो हमारे फर्स्ट बैच में हमें कितना टाइम लगेगा वो बताता है हमें ये ए, ठीक है। एक्स क्या बताता है दोस्तों, वेल एक्स टेल्स अस अबाउट द कुमुलेटिव नंबर ऑफ बैचेस दैट वी आर गोइंग टू रन और द कुमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी आर थिंकिंग टू प्रोड्यूस। So, यहाँ पर आता है टोटल नंबर ऑफ बैचेस या टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम बनाना चाह रहे हैं। एंड बी का क्या मतलब होता है, बी टेल्स अस अबाउट दी लर्निंग कॉफिशियंट, लर्निंग कर्व कॉफिशियंट के बारे में जो है वो हमें ये बी बताता है दोस्तों, ठीक है। सो ये इक्वेशन थी, थोड़ा सा मैसी हो गया बट ये समझाना ज़रूरी था, तो मैं इसे अब थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँगा सिंस वी हैव क्लियरली अंडरस्टूड कि इन सब यूनिट्स का क्या क्या मतलब है, ठीक है जी। सो वाई इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू पावर बी। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं कि कैसे होगा 25 बैचेस का टाइम, ठीक है। हमें दोस्तों यहां पर इन 500 यूनिट्स का एवरेज टाइम निकालना है, ठीक है। सो क्वेश्चन में अब जो भी डेटा दिया हुआ है हम उसे वन बाय वन करके कंपाइल करना शुरू करेंगे। पहली हमारी जो स्टेटमेंट बनेगी वो मैं यहां पर बनानी शुरू कर रहा हूं। चलिए आइए, क्या एक काम करते हैं ना, चलिए मैं बना देता हूँ, फिर एक बार आईसीएस से भी आंसर मैच कर लेंगे कि हमारे फॉर्मेट और उनके फॉर्मेट में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। सो ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले तो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे एवरेज प्राइस निकालना है अपनी लास्ट 500 यूनिट्स का, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करने वाला हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सबसे पहले मुझे कितनी इंकर लगेगी, तो इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना होगा कि मुझे टोटल टाइम कितना लगने वाला है फॉर प्रोड्यूसिंग 5000 यूनिट्स और पर आवर मुझे कितनी कॉस्ट इंकर होने वाली है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 पर आवर के हिसाब से मुझे कॉस्ट इंकर हो जाएगी, ठीक है। सो टोटल टाइम इज समथिंग विच आई नीड टू कैलकुलेट एज ऑफ नाउ। उसके बाद मुझे डायरेक्ट कॉस्ट कुछ और लगने वाली है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, 19 पर यूनिट के अकॉर्डिंग मुझे कुछ और कॉस्ट इंकर होगी और 5000 टोटल यूनिट्स हैं दोस्तों। सो 19 इंटू 5000 ये आ जाएगा 95000 का एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई है, डायरेक्ट अदर कॉस्ट भी आ गई है और क्वेश्चन में इन दोनों ही कॉस्ट का जिक्र किया हुआ है और कोई और कॉस्ट नहीं है। एक फिक्स्ड कॉस्ट भी मुझे क्वेश्चन में दी हुई है और फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000 रुपीज़ की दोस्तों। और कितना प्रॉफिट मैं अर्न करना चाहता हूँ थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, आई वॉन्ट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, मैंने टोटल प्राइस रिकवरी का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे दोस्तों।
सिर्फ मुझे अब एक फिगर यहाँ पे डालना होगा, वो है मेरी टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और हेंस मुझे टोटल प्राइस रिकवरी जो करनी है वो मिल जाएगी दोस्तों, जिसमें से फिर फर्दर मैं टोटल प्राइस रिकवरी के अमाउंट में से मुझे पहले 4,500 यूनिट्स का डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कहता है कि 4,500 यूनिट्स को मैं 64 पर यूनिट के अकॉर्डिंग सेल आउट कर सकता हूँ, और 500 यूनिट्स को कितने पे सेल आउट करना है वो मुझे डिटरमाइन करना है, ठीक है। सो 4,500 मल्टीप्लाई बाय में 64, ये मेरा आ जाता है 2,88,000 रुपीज़, ठीक है। सो मुझे 2,88,000 की रिकवरी तो इजीली हो जाएगी इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ यूनिट तक, तो मुझे यहाँ से अब और कितनी रिकवरी करनी है जस्ट मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, वो चीज़ अब हम समझ चुके हैं। तो बस अब इसमें एक ही दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है, हमें निकालना है टोटल टाइम दैट इज गोइंग टू बी इंकर फॉर दिस 5,000 यूनिट्स, और उसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इस लर्निंग कर्व मॉडल वाली इक्वेशन का। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। सो वाई क्या था हमारा, एवरेज टाइम दैट इज गोइंग टू बी इंकर फॉर प्रोड्यूसिंग द बैच। ए हमारा वो पर्टिकुलर लेवल है जो फर्स्ट बैच में लगने वाला है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट बैच को बनाने में हमें 1,000 आवर्स का टाइम लगने वाला है। मल्टीप्लाई बाय में एक्स, एक्स कितना, एक्स का मतलब है कि टोटल कुमुलेटिव कितने बैचेस मैं बनाने वाला हूँ। तो लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट पहले 25 बैचेस तक ही एग्जिस्ट करेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड बी रिप्रेजेंट्स द लर्निंग कर्व कोफिशियंट, हमें क्वेश्चन में बी की वैल्यू दी हुई है, क्या थी देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, बी की वैल्यू दी हुई है एट द लर्निंग कर्व ऑफ 80% -0.322। सो -0.322 हमें वैल्यू दी हुई है लर्निंग कर्व की। सो ये हम यहाँ लिख लेते हैं -0.322, और अब हमें यहाँ पर वाई के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, इस -0.322 को हम कैसे सॉल्व करें। अगर SFM में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपने पढ़ा है तो ये सॉल्व करना शायद आपके लिए उतना मुश्किल ना हो, बट अभी जो सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ रहा है उसके लिए कैसे ये सॉल्व होगा मैं वो बताना चाह रहा हूँ। हम अप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में लॉग को, और लॉगरिथम के मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर मैं पूरी इक्वेशन में लॉग को अप्लाई कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग 1,000 मल्टीप्लाई बाय में 25 रेज टू पावर -0.322, ठीक है। और अगर अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे पता होनी चाहिए। सो आइए पहले मैं आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ, और फिर फर्दर डिस्कशन हम शुरू करते हैं। ये मैं इस एरिया में लॉग की कुछ इक्वेशंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लॉग की बड़ी फेमस इक्वेशन होती है लॉग ए इंटू बी, और जब हम इस पर लॉग लगाते हैं तो ये आ जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी दोस्तों, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है लॉग ए रेज टू पावर बी, और जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो इसका आंसर आता है बी लॉग ए। ये दोनों इक्वेशंस आपने प्लस टू के मैथमेटिक्स में अच्छे से की हुई हैं, और अगर नहीं भी की हुई है तो सिर्फ ये दो इक्वेशंस आपको याद रखनी है, इसकी डेरिवेशन हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो अगर आपको ये दो इक्वेशंस पता हैं मोर देन सफिशियंट हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। हालांकि CA फाइनल SFM में एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है, मैं वो भी लगे हाथ बता दूँ, कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड। अगर आपने कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वहाँ पे भी लॉगरिथम का यूज़ होता है दोस्तों, तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसलिए बेटर है यहाँ पर भी अच्छे से समझ लीजिए। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो अब अगर मैं लॉग अप्लाई करूँ तो ये मेरा हो जाएगा ए, और ये पर्टिकुलर पार्ट हो जाएगा मेरा बी। और लॉग ए इंटू बी का क्या इक्वेशन होती है, दैट इज लॉग ए प्लस लॉग बी। सो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, लॉग ए यानी कि लॉग 1,000 प्लस लॉग बी यानी कि लॉग
25 रेस टू पावर 0.322। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब लॉग, इसको मैं बोल सकता हूँ लॉग ए रेस टू पावर बी, यानी ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है हम इसे कंपेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन से, है ना। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं जानता हूँ आप फेमिलियर नहीं हैं इन सब इक्वेशन से, बट बिलीव मी ये करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज फार एज आई कैन रिकॉल नवंबर 19 में सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। लॉग 1000 प्लस माइनस 0.322 लॉग 25। लॉग ए रेस टू पावर बी का फॉर्मूला होता है बी लॉग ए, और उसे अप्लाई करते हुए मैंने ये यहाँ पर एक्सपेंड किया है, ठीक है। सो फाइनली लॉग वाई की वैल्यू आ गई मेरी लॉग 1000 माइनस 0.322 लॉग 25, ठीक है। अब हम इस लॉग 1000 को और लॉग 25 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, ठीक है। 1000 को हमें अगर लिखना हो तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय में 5 रेस टू पावर 3। यू कैन योरसेल्फ चेक दिस आउट, 2 रेस टू पावर 3 होता है मेरा 8 और 5 रेस टू पावर 3 होता है मेरा 125, एंड 125 मल्टीप्लाई बाय में 8 अमाउंट्स टू 1000। तो मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने इस 1000 को सिर्फ ब्रेकअप किया इसका फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग लॉग माइनस 3.222, और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 5 रेस टू पावर 2। आई होप यू अग्री विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो, ठीक है जी। अब आगे लॉग को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लॉग ए मल्टीप्लाई बाय में बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा लॉग ए प्लस लॉग बी। फाइनली ये सॉल्व हो गया माइनस 3.222, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर मुझे एक्सपेंड करना हो तो ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 2 log 5। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है जी। अब इसे एक्सपेंड करते हैं फर्दर, तो ये बन जाएगा हमारा 3 log 2। सिमिलरली ये हमारा आ जाएगा 3 log 5, और इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी पूरा एक्सपेंड कर चुके हैं 2 log 5। अब क्वेश्चन में हमें दोस्तों log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज दी हुई हैं। जी हाँ, इन तीनों की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं और हमें हमेशा से ही दी जाएंगी। सो log 2, log 5, इन दोनों की क्या क्या वैल्यूज हैं आइए एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन में जाकर। तो log 2 की वैल्यू है मेरे पास 0.30103, और पॉइंट और log 5 की वैल्यू है 0.69897। आइए शुरू करते हैं। कितनी वैल्यू है 0.69897, मुझे log 5 की वैल्यू दी हुई है मल्टीप्लाई बाय में 2 माइनस 0.322, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर होगा प्लस 3 इंटू लॉग 5 यानी कि 0.69897, और यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई बाय में लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू है 0.30103। सो आइए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 0.30103 मल्टीप्लाई बाय में 3, दैट अमाउंट्स टू 0.90309 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय में 0.69897, और ये मेरा आ जाएगा 2.09691 माइनस 0.322 मल्टीप्लाई बाय में आ जाएगा 2 इंटू 0.69897 आ गया 1.39794, और इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.322 से, तो ये मेरा आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ये टोटल वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये टोटल वैल्यू मेरी आ जाएगी
0.4501 3668, ये 4 decimals तक आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दोनों का अगर मैं टोटल करूँ ये आ जाएगा 3 - 0.4501। सो मेरी log y की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, मेरी वैल्यू आ गई 2.549 = log y। सो log y की मेरी इक्वेशन सॉल्व हो गई है फाइनली दोस्तों। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने log y की इक्वेशन से शुरुआत की थी और हमने log y की इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लिया है दोस्तों, ठीक है। बट अब मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो अब इस log को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए हम लगाते हैं एंटी लॉगरिथम। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा एंटी लॉग, और एंटी लॉग करने से log y जो है वो बन जाएगा मेरा y, और एंटी लॉग 2.549 की जो वैल्यू है वो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब वैसे तो एंटी लॉग की वैल्यू के टेबल्स दिए होते हैं, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने जब क्वेश्चन रीड आउट किया था तो एंटी लॉग की वैल्यू दी हुई थी। एंटी लॉग की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, क्या आया है एंटी लॉग, एक मिनट, 2.549। तो 2.549 का एंटी लॉग की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये देखिए 2.549 के एंटी लॉग की वैल्यू दी हुई है 354.7 की, ठीक है जी। सो हमारी फाइनली अगर मैं बोलूँ मेरी वाई यहाँ पर सॉल्व हो गई और वाई की वैल्यू आ गई है 354.7 आवर्स एवरेजली। वाई क्या है मेरा, एवरेज टाइम पर बैच। सो उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है, हैंस अब मैं अपना क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमने टोटल टाइम निकालना था और टोटल टाइम मैं इजीली निकाल सकता हूँ। टोटल मुझे कितने बैचेस रन करने हैं दोस्तों, मुझे 500 बैचेस रन करने हैं, सॉरी मुझे 5000 यूनिट्स बनानी हैं, और एक बैच में मैं 100 यूनिट्स बनाता हूँ तो मुझे 50 जो हैं वो बैचेस रन करने पड़ेंगे। सो हमने पूरी इक्वेशन सॉल्व कर ली है, एक बार आईसीआई का आंसर देखते हैं और फर्दर क्वेश्चन की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आईसीआई ने क्या आंसर किया है वो देख लेते हैं। जी हाँ, आईसीआई ने सेम एवरेज सेलिंग प्राइस की स्टेटमेंट बनाई है जो हमने बनानी शुरू की थी फॉर द टोटल 500 यूनिट्स। सो सबसे पहले है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और आईसीआई ने निकाला है टोटल टाइम कुछ इस तरीके से। ये कैसे निकला मैं अभी बताता हूँ, टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय में 6 पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट आईसीआई ने निकाल दी है ये वाली। और ये कैलकुलेशन कैसे की है आइए देख लेते हैं। आईसीआई ने यूज़ किया लर्निंग कर्व मॉडल की इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, और उस तरीके से इन्होंने वाई की वैल्यू निकाली, हमने भी बिल्कुल यही वैल्यू निकाली है दोस्तों 354.7 बाय अप्लाइंग द एंटी लॉग ऑफ 2.549, ठीक है। सो टोटल टाइम टेकन फॉर 25th बैच हमने यहाँ पे निकालना है, बिकॉज 25th बैच के बाद लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, और फिर यानी कि मैं समझाने करूँ, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ बैचेस मेरे ये हैं, ये जीरो है, क्वेश्चन में मुझे डेटा दिया हुआ है कि 25th बैच मेरा लर्निंग कर्व का इंपैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और जो 25th बैच को बनाने में पर्टिकुलर टाइम लगेगा वही टाइम फिर यहाँ पर सभी बैचेस को बनाने में लगने वाला है। दैट्स व्हाई 25th बैच को बनाने में कितना टाइम लगा ये कैलकुलेट करना हो जाता है जरूरी, और ये यहाँ पर किया हुआ है आईसीआई के सॉल्यूशन में। सो फर्स्ट 25 बैचेस के लिए कितना टाइम इंकर होगा दोस्तों, हमने निकाला था एवरेज टाइम पर बैच जो आया था 354.7 मल्टीप्लाई बाय में 25 बैचेस, तो पहले 25 बैचेस के लिए समय लगेगा 8867.5 आवर्स का, और बचे हुए 25 बैचेस के लिए कितना टाइम लगने वाला है तो मुझे निकालना पड़ेगा 25th बैच में कितना टाइम लगा। हमें फर्स्ट 24 बैचेस का टाइम दिया हुआ है 359.4 पर आवर मल्टीप्लाई बाय में 24 बैचेस, सो 24 बैचेस का समय था 8625.60 आवर्स, और 25 बैचेस का टाइम हमने निकाला 8867.5 आवर्स। सो 25th बैच का टाइम कितना होगा ये हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, 25th
बैचेस में कितना टाइम लगा, 24 में कितना टाइम लगा, तो 25th बैच में 241.90 आवर का टाइम लगा है दोस्तों, ठीक है। सो अगर अब मुझे टोटल टाइम कैलकुलेट करना हो तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। फर्स्ट 25 बैचेस के लिए मुझे टाइम लगा है दोस्तों 8867.5 आवर्स, और नेक्स्ट 25 बैचेस में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो वो मुझे लगेगा 249 × 25 बैचेस, ये मेरा टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ही आईसीआई ने सॉल्व किया है। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है दैट रिफ्लेक्ट्स द टाइम ऑफ फर्स्ट 25 बैचेस, और ये वाला जो पोर्शन है ये रिफ्लेक्ट द टाइम टेकन बाय द पेंडिंग 25 बैचेस मल्टीप्लाई बाय में 6 पर आवर, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई दोस्तों। उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट 95,000 की, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में, और टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट फॉर 5,000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो मेरी ये निकल कर आ गई 224,490, और मैं कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, दैट इज 80,000 रुपीज़। तो मेरी एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू है 304,490 रुपीज़, बट फर्स्ट 4500 यूनिट से मैं कितना रिकवर कर पाया, तो मैं रिकवरी कर पाया 2,88,000 रुपीज़ की। यानी मुझे अभी कितनी रिकवरी और करनी है बैलेंस नंबर ऑफ यूनिट्स से, तो वो है 16,490 रुपीज़ की, और कितने यूनिट्स मैं बेचने वाला हूँ, 500 यूनिट्स। सो पर यूनिट कॉस्ट एवरेज सेलिंग प्राइस मुझे कितनी आ गई, पर यूनिट एवरेज सेलिंग प्राइस आ गई 32.98। सो डिक्लाइन स्टेज में जो 500 यूनिट्स हैं उसको मैं कितने पर बेचूंगा, आई विल सेल इट एट अ प्राइस ऑफ 32.98 माय डियर फ्रेंड्स। और इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। आप लोग इस मिसकंसेप्शन में मत रहिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ऑलरेडी नवंबर 19 अटेम्प्ट में ये पूछा भी गया है। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। हाँ, कोई इशू आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन के डिस्कशन को करते हैं यहाँ पर ओवर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक दिया हुआ है और एक रेलेवेंट एग्जांपल है, सो इसलिए मैंने फिर सोचा कि इसको भी एक बार हम कवर कर ही लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो, मैं समझता हूँ कि आपको नॉलेज होगी कि ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। परसीव्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कस्टमर को लगता है उसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डिराइव होगी, उसे बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू। बट ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू वो वैल्यू है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्चुअल में हमें प्रोवाइड करता है। यानी कस्टमर का जनरल नेचर क्या होता है कि अगर उसे 100 रुपीज़ का बेनिफिट मिलना है किसी प्रोडक्ट से, सो वो जनरली परसीव क्या करता है कि उसे तो 90 रुपीज़ का ही बेनिफिट मिल पाएगा बिकॉज ऑफ उसकी ओन लापरवाही, आप ये बोल सकते हैं। ऐसा होता है ना, कुरकुरे का जो एक पैकेट होता है, अगर एक ही पैकेट हो तो हम उसे बड़ा संभल संभल के खाते हैं, प्यार प्यार से एक एक बाइट लेकर खाते हैं, लेकिन वहीं 10 पैकेट अगर इकट्ठे आ जाएं दिवाली के सीजन में, तो फिर पहले 4-5 पैकेट्स की तो कोई कीमत और कोई इज्जत रह ही नहीं जाती, समझ रहे हो। ये कस्टमर का नेचर होता है, वो जैसे जैसे सामान कम होता है यूटिलिटी उसकी वैसे वैसे बढ़ती जाती है उसकी नज़रों में। सो यही कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल वाइज आपने पढ़ा होगा, और अगर मेरे तरीके से आपको लगता है कि मुझे कराना चाहिए तो मैं प्लीज़ कोई दिक्कत नहीं है, बताइए, मैं थियोरी पोर्शन भी इसका कवर कर लूँगा। बट एज ऑफ नाउ परसीव्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो कस्टमर को लगता है उसे मिलने वाली है किसी प्रोडक्ट से, जबकि ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू वो वाली वैल्यू है जो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। चलिए एनी हाउ, अब हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है दोस्तों, ठीक है। तो इस ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू यानी हम प्राइसिंग यहाँ पर सीखने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ कस्टमर वांट्स टू बाय अ सिस्टम फॉर अ सिंगल ईयर विच प्लान्स टू यूज इट फॉर 2500 आवर्स। सो एक साल के लिए एक सिस्टम कस्टमर खरीदना चाहता है, और कस्टमर क्या उम्मीद लगाकर बैठा है कि 2500 आवर्स के लिए वो इस पर्टिकुलर ईयर में उस सिस्टम को ऑपरेट कर
करेगा। ओके, तो दो कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, एक है सिस्टम एक्स के लिए और एक है सिस्टम एक्स स्क्वायर के लिए। सिस्टम एक्स की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर आएगी वो 5 रुपीज की आएगी, जबकि एक्स स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 7.5 की आएगी। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्रैश एक्स के केस में 10% का है, जबकि एक्स टू के केस में या एक्स स्क्वायर के केस में 0.5% का है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और सिस्टम एक्स का प्राइस हमें दिया हुआ है और एक्स टू का प्राइस हमें निकालना है। एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट अ कॉस्ट ऑफ क्रैश टू द बायर विल बी 1 लाख रुपीज। अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है तो 1 लाख रुपए का एडिशनल खर्चा आएगा, मतलब ओरिजिनल प्राइस से भी ज़्यादा का नुकसान होगा अगर सिस्टम क्रैश होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम क्रैश ना हो ऐसी मुझे कोशिश करते रहना चाहिए। एनी हाउ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद डिटरमाइन करते हैं कि ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या होनी चाहिए। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू कहता है कि एक तो जो परसीव्ड वैल्यू है कस्टमर की नज़रों में वो, और उसमें जो एड ऑन बेनिफिट्स वो देने वाला है जिसे कस्टमर नहीं जानता, इन दोनों का जो समेशन होता है वो होता है आपकी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। तो आइए ICAI ने इसका आंसर कैसे किया है वो देखना शुरू करते हैं। देखिए ICAI ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू निकाली है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लिया ऑपरेटिंग कॉस्ट, दोनों सिस्टम में 2.5 रुपीज़ का डिफरेंस था। X में लगनी थी 5 रुपीज़ और X2 में लगनी थी 7.5 रुपीज़। सो 7.5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय में 2500 आवर्स, और टोटल अगर मैं X2 सिस्टम की बात करूं, क्योंकि मुझे X2 सिस्टम की कॉस्ट निकालनी है, मुझे 6250 रुपीज़ का लॉस होने वाला है। तो नेचुरली मैं चाहूँगा कि मैं उसके एक्चुअल प्राइस से 6250 रुपये कम दूं सेलर को, समझ रहे हैं इसको निकालने का ये मतलब है। उसके बाद क्रैश के ऊपर कितना नुकसान हो सकता है वो निकालने की बारी थी। अगर मैं X2 लेता हूँ तो मुझे सिर्फ 0.5% का नुकसान होने का चांस है एज कम्पेयर टू 10% इन केस ऑफ सिस्टम X। सो कितनी सेविंग्स मुझे हो जाएंगी? मुझे 9500 रुपीज़ की सेविंग होगी X2 को अडॉप्ट करने के लिए। सो सेलर नेचुरली मुझसे 9500 रुपये ज़्यादा डिमांड करेगा बिकॉज ऑफ दिस यूनिक फीचर ऑफ प्रोडक्ट X2। और परसीव्ड वैल्यू कस्टमर की नज़रों में क्या है? 37,500, जिसे प्राइस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर बोला गया है। 37,500 और कुछ नहीं सिस्टम X का प्राइस है, जबकि X2 का जो प्राइस है वो हमें निकालना है। सो इन तीनों का सम्मीशन करेंगे 1, 2 एंड 3, और इन तीनों का सम्मीशन आ जाएगा 40,750 रुपीज़, विच इज़ नथिंग बट आवर true economic value, hence this particular question or example is being solved। चलिए next देखते हैं, next question कौन सा दिया हुआ है? ये आपका ICAI का study में था दोस्तों। एक case scenario दिया हुआ है, वो आप कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगर आप case study digest कर चुके हैं तो वो तो फिर छोटा बच्चा है उन case studies के आगे। So okay, test your knowledge के questions हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, और चलिए शुरू करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की दोस्तों। वाई रिवर्स ऑर्डर? बस वैसे ही मन कर रहा है इसलिए, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। प्राइसिंग मेथड के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं। द बजटेड कॉस्ट डेटा ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अयोध्या लिमिटेड ओहो इज फर्निश्ड एज बिलो। बजटेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड 2 लाख यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 32 रुपीज़ की और फिक्स्ड कॉस्ट है 16 लाख की। ओके, इट इज़ प्रपोज टू अडॉप्ट कॉस्ट प्लस प्राइजिंग अप्रोच। ओके, विद अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन फुल बजटेड कॉस्ट। तो यहाँ पर कॉस्ट बेसिस पर कैलकुलेशंस होंगी, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों में से एक पर कैलकुलेशंस होते हैं हमारी, बट यहाँ पर अभी तक के डेटा को पढ़ के साफ पता चलता है कि कॉस्ट बेसिस पे हमारी डिस्कशन रहने वाली है। ओके, हाउएवर रिसर्च बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंडिकेट्स दैट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव। ओहो, प्राइस चेंज होते ही डिमांड भी चेंज हो जाती है। दिस मीन्स दैट The likely market response are as follows।
तो ये मल्टीपल सेलिंग प्राइजेस मुझे दिए हुए हैं और डिफरेंट सेलिंग प्राइजेस पर कितनी यूनिट्स की डिमांड रहेगी वो मुझे दिया हुआ है। जैसे कि बोला हुआ है कि 44 रुपीज़ के सेलिंग प्राइस पर 1,68,000 यूनिट्स की डिमांड रहने वाली है। और वैसे ही जैसे जैसे सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता जाएगा डिमांड कम होती जाएगी, या मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मेरा प्राइस जो है वो कम होता जाएगा वैसे वैसे मेरी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि अब हमें पता लगाना है, पहले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, हम सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर रहे थे। इस पर्टिकुलर केस में हमें ऑप्टिमम प्राइस सिलेक्ट करना है, यानी इन पांचों में से किस सेलिंग प्राइस पर बेचना सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा होगा हमें वो डिटरमाइन करना है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इसका आंसर। और मैं क्या बोलता हूँ, एक बार आईसीआई का आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, उसी आंसर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है, वर्दी ऑफ अ डिस्कशन, और वो डिस्कशन अब हम आईसीआई के क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, इन्होंने एनालिसिस किया हुआ है कॉस्ट प्लस प्राइजिंग अप्रोच, क्वेश्चन में बोला हुआ है इसलिए कॉस्ट प्लस प्राइजिंग को इन्होंने अडॉप्ट किया है। सबसे पहले इन्होंने टोटल कॉस्ट निकाली है ताकि ये प्राइस निकाल पाएँ। तो बेसिकली ये प्राइस कैलकुलेशन का स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें 2 लाख यूनिट्स हमें सेल आउट करनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी 64 लाख की हो जाएगी। कैसे, 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय में 32, एडिशनली फिक्स्ड कॉस्ट भी इंकर होगी, तो टोटल बजटेड कॉस्ट मेरी आ गई 80 लाख रुपीज़ की, जिसमें से मैं प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ 25% का। क्या ये 25% क्वेश्चन में दिया हुआ है? जी हाँ, 25% ऑन बजटेड कॉस्ट हमें बोला हुआ है। सो टोटल रेवेन्यू विच आई नीड टू अर्न इज 1 करोड़ रुपीस। तो 2 लाख यूनिट्स के हिसाब से पर यूनिट सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो तो वो आ जाएगा 50 पर यूनिट का। नॉट एट ऑल टफ एज आई हैव टोल्ड यू, हाउएवर टफ पार्ट अब शुरू होता है। हाउएवर एट सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट कंपनी कैन सेल ओनली 1,40,000 यूनिट्स। ये हमने क्वेश्चन में देखा था, मैं आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 50 रुपीज़ के प्राइस पर तो मैं 1,40,000 यूनिट्स ही सेल आउट कर पाऊँगा दोस्तों। तो अब हम ऐसे में क्या करें, जबकि मुझे साफ साफ बोला हुआ है कि मुझे तो 2 लाख यूनिट्स बनाकर बेचनी है, तो कैसे होगा दोस्तों? अब सिचुएशन बड़ी दुविधाजनक है, क्या करें हम? अगर हम 50 के प्राइस पर बेचने के लिए अग्री हो जाते हैं तो फिर मैं अपनी 60,000 कैपेसिटी को वेस्ट करूँगा, बिकॉज 2 लाख यूनिट्स बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और अगर मैं इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करता हूँ दोस्तों तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, जिससे मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। बट दूसरी दिक्कत यह है कि मुझे कम से कम 25% ऑन बजटेड कॉस्ट कमाना ही कमाना है। सो ऐसे में मुझे जो डिसीजन लेना होगा उस डिसीजन को कहते हैं ऑप्टिमम डिसीजन। यानी ऑप्टिमम डिसीजन में क्या होगा, नेचुरली मैं पूरे 2 लाख यूनिट्स तो नहीं बेच पाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बेचूं। और नेचुरली 50 के सेलिंग प्राइस पर बेचना भी ऑप्टिमल नहीं कहलाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा मैं प्राइस को उतना ही इंक्रीज करूं जितना रीजनेबल हो। और ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये ऑप्टिमम प्राइस निकालने के लिए हम बनाते हैं टेबल ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या बोला मैंने, टेबल ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो यहाँ पर आईसीआई के सॉल्यूशन में भी इन लोगों ने बनाया हुआ है। जस्ट इसका जो नाम है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टेबल ना देते हुए इन्होंने इसे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एट डिफरेंट डिमांड एंड प्राइस लेवल बोला हुआ है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए देखते हैं, 5 सेलिंग प्राइजेस हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में और 5 लेवल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है। ये 5 लेवल्स हमने यहाँ लिख लिए हैं, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई बाय मैं रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइजेस निकाल लूँ तो मेरा टोटल सेल्स का डेटा मेरे पास आ जाएगा, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 32 पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। सो 32 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय में दिस लेवल ऑफ यूनिट्स, तो मेरी ये कॉस्ट आ जाएंगी, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी मुझे दी हुई है 16 लाख की इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा ये रिस्पेक्टिवली। अब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर हम देखें सो वो आया हुआ है मेरा इस पर्टिकुलर 4th लेवल ऑफ यूनिट्स पे, जो है 14,72,000। और ऑन टोटल कॉस्ट मुझे कम से कम कितना अर्न करना है, मुझे 25% एटलीस्ट अर्न करना है। सो कॉस्ट के ऊपर अगर मैं
प्रॉफिट को कैलकुलेट करूं, यानी कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय में 100, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करूं ऑन कॉस्ट, तो ये मेरी प्रॉफिट परसेंटेजेस कैलकुलेट की हुई हैं आईसीआई के आंसर में। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आ रही है मेरी 1,08,000 यूनिट्स के केस में, जो है 28%। बट अगर मैं एलिजिबल लेवल्स की बात करूँ तो 25% एलिजिबल लेवल है, और वो मैं इन दोनों केसेस में अर्न कर पा रहा हूँ। ऑप्टिमल डिसीजन क्या होगा दोस्तों, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स भी बेचूँ और प्राइस भी उतना बढ़ाऊँ जिससे मेरे डिज़ायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो अगर मैं अभी इन दोनों को कंपेयर करूँ, ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट है, डेटा एनालिसिस्ट इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं कंपनीज में जब हम यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं। देखो, अगर आप सोचो कंट्रीब्यूशन वाइज, सो ये फोर्थ लेवल बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर आप डिसाइड करो परसेंटेज बेसिस पे, तो ये वाला लेवल मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट ऑप्टिमल डिसीजन क्या कहता है दोस्तों, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी है, बिकॉज मार्केट शेयर होना अपने आप में एक एड ऑन बेनिफिट आपको देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मेरी बिकेगी इस पर्टिकुलर लेवल पे, और इस पर्टिकुलर लेवल पे मेरा प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है। दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ कि एट अ प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन मैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर कितना प्राइस है, 7,168,000 डिवाइड बाय में 128, तो 56 पर यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है, मैं उस पर बेचने को बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो जाऊंगा दोस्तों। ये मेरा डिज़ायर्ड प्राइस रहेगा। हालांकि 2 लाख यूनिट्स बेचने के लिए मुझे 50 रुपीज़ पर यूनिट पर बेचना पड़ता, बट मैं सारी यूनिट्स ना बेचते हुए 56 पर यूनिट के सेलिंग प्राइस पर ये वाला लेवल सिलेक्ट करूँगा। और इसका उन्होंने बताया हुआ है कि क्या रीज़न भी है, ये देखिए इन्होंने लिया हुआ है। टेकिंग दी अबव कैलकुलेशन एंड एनालिसिस, कंपनी शुड प्रोड्यूस एंड सेल 128,000 यूनिट्स टू अचीव द डिज़ायर्ड मार्कअप ऑफ 25% ऑन टोटल कॉस्ट। इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू अपहोल्ड इट्स प्रपोज्ड प्राइजिंग अप्रोच विद द बजटेड क्वान्टिटी, इट शुड ट्राई टू रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वो कह रहा है अगर कंपनी अभी भी दुखी है और वो अभी भी 2 लाख यूनिट्स ही बेचना चाहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप कृपया करके अपनी कॉस्ट को कम कर दीजिए। अगर कॉस्ट को कम कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से जब आप प्राइस को कम कर देंगे तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये चीज़ इन्होंने लास्ट में बताई है कि वैसे तो ऑप्टिमल डिसीजन के अकॉर्डिंग 1,28,000 यूनिट्स इज समथिंग विच यू शुड ट्राई टू सेल, बट इफ यू वॉन्ट टू रियली सेल ऑल द क्वान्टिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स। चलिए फर्दर डिस्कशन को एक्सटेंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, और ये बेस्ड है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल के ऊपर। एक अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे वाला क्वेश्चन, ठीक है। बैथवे इंडिया लिमिटेड इज एन आईएसओ समथिंग कंपनी, अ प्रीमियर मल्टी डिसिप्लिन कंपनी। बी आई एल मैनुफैक्चर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रेशर व्हील्स, वैगन्स, और ये सब थियरी ज्ञान दिया हुआ है यहाँ तक, कंपनी के बारे में बताया हुआ है, नथिंग रेलेवेंट फॉर अस। आगे बात करते हैं। बैथवे इंडिया लिमिटेड हैज़ 2 डिवीजन्स, नेमली बॉगी डिवीजन एंड वैगन डिवीजन। तो 2 डिवीजन्स हैं इस कंपनी की फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैगन। ओके, तो जो बॉगी डिवीजन है वो बॉगीज बनाती है, और जो वैगन डिवीजन है वो वैगन्स को बनाती है। बी डी मैनुफैक्चर्स बॉगीज एंड डब्ल्यू डी मैनुफैक्चर्स वैगन्स। टू मैनुफैक्चर अ वैगन डब्ल्यू डी नीड्स 4 बॉगीज। ये आया पहला पॉइंट, डब्ल्यू डी को 4 बॉगीज की रिक्वायरमेंट होती है एक वैगन को बनाने के लिए। नाउ बी डी इज द ओनली मैनुफैक्चरर ऑफ द बॉगीज एंड सप्लाईज बोथ डब्ल्यू डी एंड आउटसाइड कस्टमर्स। तो इसकी मोनोपोली है बॉगीज बनाने में, वाह, बॉगीज बनाने की भी मोनोपोली है। डिटेल्स ऑफ बी डी एंड डब्ल्यू डी फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर आर एस फॉलोस। मजाक की बात है, मतलब कमिंग ईयर के लिए अभी से डिटेल्स ये कैसे दे सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं,
फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाली हैं रिस्पेक्टिवली 9 करोड़ 20 लाख समथिंग, और वैगन डिवीजन इंकर करेगा 16 करोड़ 45 लाख की। ओके, ये बजटेड कॉस्ट दी हुई है। बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2,20,000। एक बॉगी को बनाने के लिए 2,20,000 का खर्चा आता है, और वेगन को बनाने के लिए 4,80,000 का एक्सपेंस आता है। बट स्टार लगा हुआ है, क्या बोलता है, एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर कॉस्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसको समझ पाए हैं तो। यहाँ पर हमें ट्रांसफर कॉस्ट को नहीं लेना। ट्रांसफर कौन सी, जो भी बॉगी डिवीजन बॉगीज ट्रांसफर करेगा वैगन डिवीजन को, उनकी कॉस्ट नहीं है ये, उनके अलावा इंकर होने वाली वेरिएबल कॉस्ट है 4,80,000। तो अगर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करनी हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी वैगन डिवीजन की, तो वो होगी मेरी 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय में 4, क्योंकि एक वैगन को बनाने में 4 बॉगीज का यूज होता है, प्लस 4,80,000। तो ये हो जाएगी मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वैगन डिवीजन। ठीक है, इस स्टार का मतलब ये है और ये समझ में आना चाहिए आपको। आगे देखते हैं, कैपेसिटी पर मंथ हम 320 बॉगीज बना सकते हैं, जबकि अगर मैं वैगन्स की बात करूं तो 12 वैगन्स हम पर मंथ बेसिस पर बनाते हैं, और ये सप्लाई इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कस्टमर्स को हम करते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। आगे देखते हैं, मार्केट रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट डिमांड इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट कोटेशंस आर एज फॉलोस। ओके, अगर हम बोगीज की बात करें तो 3,20,000 के प्राइस पर मुझे कोई भी टेंडर अवार्ड नहीं किया जाएगा, यानी ये वो प्राइस है जहां पर मुझे एक भी क्वांटिटी की डिमांड नहीं आएगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इसको बोलते हैं ए, और ए की वैल्यू दी हुई है 3,20,000 रुपीस। आगे बात करते हैं, बट डिमांड विल इंक्रीज बाय 30 बॉगीज। ओके, 30 बॉगीज से मेरी डिमांड में चेंज आएगा विद एवरी 10,000 रुपीस की रिडक्शन ऑफ प्राइस बिलो 3,20,000। इसको बोलते हैं बी, ये होता है मेरा स्लोप एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। और स्लोप क्या कहता है कि पर यूनिट चेंज इन क्वांटिटी की वजह से प्राइस में कितना चेंज होगा, इसे हम ऐसे बोलते हैं। और ऑप्टिमम प्राइस की इक्वेशन तो आप ऑलरेडी जानते हैं, वो होती है ए माइनस बी क्यू। तो मुझे ए भी पता चल गया और बी भी पता चल गया, हेंस क्वांटिटी मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, फॉर वैगन्स कोटेशन प्राइस ऑफ 17,10,000 नो टेंडर विल बी अवॉर्डेड। ओके, सो यहाँ पर उसने बोला कि 17,10,000 के प्राइस पर मुझे वैगन के लिए कुछ भी डिमांड नहीं होगी, बट द डिमांड फॉर वैगन्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 2 वैगन्स विद एवरी 50,000 रिडक्शन। सो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। आगे क्या डेटा दिया हुआ है, फर्दर बीडी इज द ओनली मैन्युफैक्चरर, ये बात हमें पता है, बट ड्यू टू इंक्रीज डिमांड कॉम्पिटिटर्स आर एंटरिंग द मार्केट। ओ हो, तो कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में आ रहे हैं धीरे धीरे। द डिवीजन इज रिव्यूइंग इट्स प्राइजिंग पॉलिसी। प्राइजिंग पॉलिसीज कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, स्कीमिंग या पेनिट्रेशन, दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं। एंड कैरिंग आउट सम मार्केट रिसर्च, आफ्टर द रिसर्च द डिवीजन हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ ई क्लास बोगीज इन द market and to obtain the patent right for such unique bogies. Okay, इन्होंने तोड़ निकाल लिया है नए competitors का, इन्होंने अपना नया product launch किया है और उसे patent करवा लिया है, यानी इसकी monopoly बरकरार रहेगी कम से कम इस particular class of bogie के लिए. So, high growth in future characterizes this class. So, इसकी future में भी growth बहुत high रहने वाली है, ऐसा वो बोलना चाह रहा है. Okay, what is the required in the question. First of all, it says calculate the unit quotation price for the wagon that will maximize the profit. तो basically wagon का क्या price होना चाहिए वो हमें निकालना है, और price का formula A minus B Q होता है, तो निकाल लेंगे। उसके बाद उसने कहा कि kindly calculate the unit quotation price of wagon that is likely to emerge if divisional manager of both the divisions set prices at a level that will maximize their divisional profits.
डिविजनल प्रॉफिट्स कब मैक्सिमाइज होंगे दोस्तों, जब जो डिविजनल मार्जिनल कॉस्ट है वो डिविजनल मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल आ जाएगी। सो दोनों ही डिविजनल मैनेजर्स ने कुछ इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए अपने प्राइजेस सेट किए हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, जहाँ पर हमें बता रखा है पी और एम आर का फॉर्मूला, नथिंग टू नो अबाउट इट। ठीक है, और एंड द ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट द मार्केट सेलिंग कोटेशन प्राइस। तो बेसिकली यहाँ पर हमें तड़का लगाना है टीपी के प्रोविजंस का, कौन से वाले, डायरेक्ट टैक्स के नहीं, कॉस्टिंग के टीपी का, और उसमें थोड़ा सा प्राइजिंग डिसीजन का तड़का लगेगा। तो ये इन दोनों का, टीपी और प्राइजिंग का कंबाइंड पार्ट है, पार्ट नंबर टू। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कैट काइंडली रिकमेंड दी अप्रोप्रिएट प्राइजिंग स्ट्रेटेजी। भाई हमें पेनिट्रेशन या स्कीमिंग दोनों में से क्या चूज करना चाहिए वाइल इंट्रोड्यूसिंग दिस ई क्लास बोगिश। तो इसका आंसर तो मैं आपको अभी देना चाहता हूँ। ई क्लास बोगिश के लिए पेनिट्रेशन या स्कीमिंग अडॉप्ट करना चाहिए। तो मेरा आंसर बड़ा क्लियर है कि हमें स्कीमिंग प्राइजिंग अडॉप्ट करनी चाहिए दोस्तों। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल सा है कि इस प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड अच्छी खासी है। एक तो यानी इनिशियली अगर मैं हाई प्राइस भी रखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, और फ्यूचर में प्राइस कम करने पर भी मेरा डिमांड बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, मैंने इस प्रोडक्ट को पेटेंट करवा रखा है, कोई पेटेंट मतलब कोई कॉम्पिटिटर आने का भी खतरा नहीं है दोस्तों। और जब मैं पूरे तरीके से सेव हूँ तो मुझे स्कीमिंग प्राइस ही अडॉप्ट करनी चाहिए। ऐसा ही स्टीव जॉब्स का बोलना था जब उन्होंने एप्पल का आईपैड लॉन्च किया था। एप्पल तभी तो स्कीमिंग को फॉलो करता है शुरू से ही। तो यहाँ पे स्कीमिंग प्राइसिंग लगनी चाहिए। बाकी दो पार्ट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आईसीए का आंसर देखेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। सो सीधा आईसीए का ही आंसर देख लेते हैं, सॉल्व करने में कोई खास डिस्कशन नहीं है। अज्यूम्ड कोटेशन प्राइस पी एंड क्यू, ठीक है ठीक है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ वैगन इज 2,20,000 × 4 प्लस 4,80,000, टोटल अमाउंट टू 13,60,000। ये हमने कैलकुलेट कर ली थी। सो प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी क्यू, जहाँ पर ए हमें वैगन के केस में दिया हुआ है 17,10,000 का, वहीं बी हमारा दिया हुआ है 50,000 के प्राइस में चेंज से, 2 यूनिट्स डिमांड में चेंज आ रहा था। तो ये मेरा बी निकल गया मल्टीप्लाई बाय में क्यू। सिमिलर वे में मेरे रेवेन्यू की इक्वेशन होती है प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। सो मैंने पी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और पी को मल्टीप्लाई कर दिया क्यू से, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलर वे में मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन होती है ए माइनस टू बी क्यू, ये वैसे क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है। सो ए माइनस टू बी क्यू मैं यहाँ पे करूँगा, ए की वैल्यू है 17,10,000, बी की वैल्यू है 50,000 डिवाइड बाय में 2, और जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 50,000 क्यू। मार्जिनल कॉस्ट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, और प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पे होता है ये हम जानते हैं, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाती है। सो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के दोनों हम निकाल चुके हैं, दोनों को इक्वेट किया तो क्यू की वैल्यू आ गई 7 यूनिट्स, यानी वैगन की 7 यूनिट्स पर मुझे मेरा मैक्सिमम ऑप्टिमम प्राइस मिल जाएगा, और जो आ गया 15,35,000 रुपीज़। सो 15,35,000 वो यूनिट प्राइस है जहाँ पर मुझे वैगन को सेल करना चाहिए और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो बात करता है ट्रांसफर प्राइजिंग प्लस प्राइजिंग डिसीजंस के तड़के की बात करता है, तो आइए इसको भी शुरू कर लेते हैं। At Bogie Division, the divisional manager would ensure that divisional marginal revenue should be equal to division's marginal cost so that the profit can be maximum. So marginal revenue of Bogies हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, marginal cost of Bogies हमें दी हुई है, क्वांटिटी हम निकाल लेंगे और जब प्राइस की इक्वेशन में डालेंगे तो प्राइस आ जाएगा 2,70,000 रुपीज़। सो बोगीज के लिए ऑप्टिमम प्राइस है 2,70,000, जबकि वैगन्स के लिए ऑप्टिमम प्राइस हमने निकाला 15,35,000 रुपीज़। आगे चलते हैं। नाउ बोगी डिवीजन विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन इट विल कोट 270। Since outside market quotation is the transfer price as well, so transfer price to
इसका मतलब है कि जो प्राइस मैं बाहर चार्ज करने वाला हूँ वही चार्ज मैं घर वालों से यानी कि बॉगी डिवीजन वालों से भी चार्ज करना चाहूँगा। सो एट वैगन डिवीजन द मैनेजर वुड इंश्योर दैट मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ डिवीजन शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट सो दैट प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमम। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूँ तो मेरा क्वांटिटी आ जाएगा 3 यूनिट्स। सो मुझे वैगन के 3 यूनिट्स बेचने चाहिए एट अ प्राइस ऑफ 16,35,000। बोगीज मुझे कितनी बेचनी चाहिए? बोगीज मैंने ऊपर निकाल लिया है, बोगीज की मैं 150 यूनिट्स बेचने को रेडी हूँ 2,70,000 के प्राइस पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ वैगन हेंस केम आउट टू बी 16,35,000। कुछ भी नहीं था, सिर्फ अगर आपको प्राइस की इक्वेशन आती है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन आती है एंड यू नो कि ऑप्टिमम प्राइस कहाँ होता है जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों पार्ट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। थर्ड पार्ट में उसने पूछा है कि जो ई क्लास की बोगीज है उसके लिए हमें स्कीमिंग प्राइसिंग अडॉप्ट करना चाहिए या पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, और इसका इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया है एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, इन्होंने कंक्लूजन दिया है जो मैंने आपको आपसे शेयर किया था। इन्होंने कहा है कि ई क्लास बोगीज के लिए स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए, और इसका रीज़न उन्होंने क्या दिया है। पहला रीज़न तो है कि प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है, यूनिक मतलब ओनली मैन्युफैक्चरर है ये बोगी बनाने वाला, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा, हैवी R&D कॉस्ट इस पर इंकर हुई है। मुझे नहीं दिखा क्वेश्चन में कहाँ पर यह दिया हुआ है। एंड बैरियर टू एंट्री फॉर कॉम्पिटिटर्स, जी हाँ, हमने इस प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो पेटेंटेड प्रोडक्ट है, बैरियर टू एंट्री है, एंड हेंस स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज वेरी मच सूटेबल। सो यूनिकनेस कैसे है? बिकॉज ये ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। बैरियर टू एंट्री कैसे है? बिकॉज ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और हैवी R&D कॉस्ट बोल रहे हैं तो इंकर हुई होगी, मुझे क्वेश्चन में नहीं दिखा। हेंस बोगी ई के लिए हमें स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। सो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे बिल्कुल डन। सो चलिए नेक्स्ट डिस्कशन को शुरू करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दैट एंजल लिमिटेड इज अ लीडिंग कंपनी इन द फुटवेयर इंडस्ट्री। द कंपनी हैज़ 4 फैक्ट्रीज इन डिफरेंट लोकेशंस विद स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स, बट ड्यू टू कॉम्पिटिशन इन द मार्केट कंपनी इज कंटिन्यूअली रिव्यूइंग इट्स प्रोडक्ट रेंज एंड एनहेंसिंग इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बाई डेवलपिंग अ न्यू मॉडल्स। सो एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन यहाँ पर है, और इस वजह से नए प्रोडक्ट्स बनाने पर जोर दिया जा रहा है एंजल लिमिटेड के द्वारा। आगे बात करते हैं। द कंपनी करेंटली हैज़ अ प्रोडक्शन फैसिलिटी विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 3,500 स्टैंडर्ड आवर्स पर वीक। सो पर वीक 3,500 स्टैंडर्ड आवर्स हैं इनके पास प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। करंटली प्रोडक्ट कंफर्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू द मार्केट 6 months अगो एंड इज अबाउट टू एंटर द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो 6 महीने के अंदर अंदर ये अपनी मेच्योरिटी स्टेज में भी एंटर कर गया है प्रोडक्ट कम्फर्ट। However, research by the marketing department indicates that demand of the product comfort in the market is price sensitive. Obviously, अगर ये market अपनी maturity stage में enter कर चुका है, so maturity stage में हमने feature पढ़ा हुआ है कि जो demand होती है वो वहाँ पर price sensitive हो जाती है। चलिए, द मार्केट रिस्पॉन्स आर एस फॉलोस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिए हुए हैं, ये मेच्योरिटी स्टेज के लिए डेटा दिया हुआ है दोस्तों, तो ये हमें दिया हुआ है, अलग अलग सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिए हुए हैं और उस पर हमारी क्या क्या डिमांड रहने वाली है वो डेटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और सिंपल है, प्राइस कम करते जाएंगे तो डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। आगे देखते हैं। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम्फर्ट इज 750 रुपीज पर यूनिट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कम्फर्ट हमें दिया हुआ है। स्टैंडर्ड आवर्स यूज टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इस 2 आवर्स, 2 घंटे लगते हैं इस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और हमारे पास टोटल कितना टाइम अवेलेबल है? हमारे पास 3,500 आवर्स अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ। सॉरी, आगे देखते हैं।
आगे दिया हुआ है दैट प्रोडक्ट स्पोर्ट्स वॉज इंट्रोड्यूस इन टू द मार्केट 2 months अगो यूजिंग अ पेनिट्रेशन प्राइजिंग पॉलिसी एंड इज नाउ अबाउट टू एंटर द ग्रोथ स्टेज. गुड. ईच यूनिट हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 545 and takes 2.5 hours to produce. Market research has indicated that there is a linear relationship between its price and number of units demanded, which is given by the equation P is equal to A minus BX. ये और कुछ नहीं है जो price की normal equation होती है P is equal to A minus BQ. बस यहाँ पर उसे A minus BX करके बोला गया है. At the selling price of 1000 per unit, demand is expected to be 1000 units per week. अब इस question की ये unique बात है. उसने हमें एक price दिया 1000 rupees का और उसने हमें बताया कि 1000 rupees के प्राइस पर 1000 units हैं जो हम पर वीक सेल करते हैं. ओके. अभी तक हमें नहीं दिया होता था ऐसा क्वेश्चन में कुछ, हमें ये प्राइस बेसिकली कैलकुलेट करना होता था. चलिए आगे देखते हैं. फॉर एवरी 100 इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस द वीकली डिमांड विल रिड्यूस बाई 200 units. तो यहाँ से मुझे स्लोप निकालने में ईजी होगा. उसने कहा है फॉर एवरी रुपीज 100% चेंज इन प्राइस देयर विल बी अ चेंज इन डिमांड बाई 200 units. तो मेरी स्लोप हो जाएगी 0.5 की. चलिए आगे देखते हैं. And for every 100 decrease in selling price, the demand will increase by 200 units. So simply 200 demand में change आने की वजह से 100 rupees का change price में देखने को मिलेगा. चलिए आगे देखते हैं. Product ethnic is currently being developed. तो अभी तक हमने product comfort और product sport के बारे में पढ़ा था. Now this is the third product. Product ethnic is being developed and which is about to be launched into the market. Now this is a highly innovative designer product which the company believes will have a revolutionary impact on the market and consumer behavior. The company has decided to use a market skimming approach to pricing this product during its introduction stage. ठीक भी है, अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट है, रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट है, तो स्कीमिंग प्राइसिंग ही यहाँ पर हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और कंपनी ने भी वही किया है. ओके. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल दे से एडवाइज विच ऑफ द अबव 5 सेलिंग प्राइजेस शुड बी चार्ज फॉर द प्रोडक्ट. जो ऊपर 5 सेलिंग प्राइजेस दिए हुए हैं प्रोडक्ट कंफर्ट के लिए, उसमें से कौन सा हमें चार्ज करना चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज. अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें डिफरेंट सेलिंग प्राइजेस पे कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना है. कंट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. दोनों ही क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं. सो जिस भी प्राइस पर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा वो वाले प्राइस को हम चूज कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है. आगे देखते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू यूटिलाइज ऑल द स्पेयर कैपेसिटी फ्रॉम योर आंसर टू वन अबव. ओके. इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जिस स्टेज पर आएगा उस सेलिंग प्राइस पर हम कितनी यूनिट्स बेचेंगे पहले तो वो कैलकुलेट कर लेंगे. उसके बाद आउट ऑफ माय टोटल 3500 आवर्स मैं ये क्वांटिटी बनाने के लिए जो टाइम लगेगा उसे कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, और जो बैलेंस टाइम मेरे पास अवेलेबल होगा ना दोस्तों, उसमें से मुझे अब प्रोडक्ट स्पोर्ट्स के कितने यूनिट्स बनाने हैं वो डिसाइड करना होगा. और इसके लिए इक्वेशन यूज होगी P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू वाली, जो क्वेश्चन में दी हुई है, हमने अभी पढ़ा था. ओके. एंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट स्पोर्ट्स ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ स्टेज. तो वो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे. और दूसरी इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, MR इज इक्वल टू MC वाली हो जाएगा. ओके. आगे क्या बोला है, कंपेयर पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग द इंट्रो यूजिंग प्रोडक्ट एथनिक टू इलस्ट्रेट योर आंसर. सो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है. दिस इज अ थियरी क्वेश्चन. ओके. आगे देखते हैं. एक्सप्लेन विद रीजंस फॉर ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ एथनिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द चेंजेस दैट वुड बी एक्सपेक्टेड इन द यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड यूनिट सेलिंग प्राइजेस. सो बेसिकली यहाँ पर भी उसने फीचर्स हमसे पूछे हुए हैं दोनों ही स्टेजेस के. सो ये भी हम इजिली आंसर कर सकते हैं, थियरी पार्ट है. सो आइए प्रैक्टिकल पार्ट पे पहले सॉल्व करना शुरू कर. तो ये आ गया मेरा
क्वेश्चन नंबर टू आईसीआई के आंसर देख रहे हैं, बिकॉज हमें फॉर्मेट आईसीआई वाले फॉलो करने होते हैं. सेलिंग प्राइस फॉर कंफर्ट दैट वुड मैक्सिमाइज इट्स कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. दोनों ही डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली सभी सेलिंग प्राइजेस पर मेरा आ गया है. ठीक है जी, अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से सेलिंग प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचना है या कितनी क्वांटिटी हमें बेचनी चाहिए. सो उसके लिए मुझे डेटा दिया हुआ है कि पर वीक डिमांड मेरी कितनी है. मुझे ये पर्टिकुलर डेटा यहाँ पर दिया हुआ है इन लोगों ने, और पर वीक बेसिस पे अगर मैं डिमांड चेक करूँ, सो 550, 725, 1000, 1150 एंड 1200 की मुझे डिमांड दी हुई है. तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपना बेचने की कोशिश करूँगा. तो मैं निकालूँगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं यूनिट्स को कॉन्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरा आंसर आएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का. और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम आ रहा है मेरा इस पर्टिकुलर लेवल पर, यानी मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हुए मुझे 1150 यूनिट्स अप्रोप्रिएटली सेल करनी चाहिए एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 1450 रुपीस. ठीक है जी, सो यही बात हमने यहाँ पर नीचे एनालिसिस में लिखी हुई है. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व हो गया. कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हुए हमें 1150 यूनिट्स को सेल आउट करना चाहिए, और 1150 यूनिट्स को सेल आउट करने के लिए मुझे कितने आवर्स कंज्यूम करने होंगे. मुझे 1150 मल्टीप्लाई बाय में 2300 आवर्स, यानी 2300 आवर्स मेरे कंज्यूम हो जाएंगे आउट ऑफ माई टोटल ऑफ 3500 आवर्स. सो मेरे पास अब स्पेयर 1200 आवर्स ही बचे हैं कौन से प्रोडक्ट स्पोर्ट को बनाने के लिए, और प्रोडक्ट स्पोर्ट को बनाने के लिए 2.5 आवर्स लगते हैं दोस्तों. सो 1200 आवर्स में मैं 2.5 480 यूनिट्स बना पाऊंगा प्रोडक्ट स्पोर्ट्स की. So I'll manage to produce 480 units of product sports. ठीक है जी, सो हमने बेसिकली यहाँ पर सॉल्व कर लिया है. अब देख लेते हैं ICI ने क्या करा है. It says Angel Limited has a capacity of 3500 hours per week, but we are going to produce 1150 units of product comfort, जिसमें लग जाएगा 2300 hours per week. तो spare capacity है 1200 hours per week की, और उसमें मैं sports के 480 units ही weekly basis पे बना पाऊंगा. ओके फाइन, आगे देखते हैं. तो अब मुझे डिसाइड करना है कि इन 480 यूनिट्स के लिए क्या प्राइस रहना चाहिए. क्वेश्चन की डिमांड ये है, जिसके लिए हमने लीनियर इक्वेशन ए माइनस बी क्यू को यूज़ करने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर यूनिट में. अब एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली हुई है क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान दिया हो, क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि 1000 रुपीज़ के प्राइस पर मैं 1000 यूनिट्स को सोल्ड आउट कर पाऊंगा, और मुझे स्लोप भी क्वेश्चन में दी हुई थी कि विद एवरी चेंज ऑफ 200 इन क्वांटिटी देर विल बी अ चेंज ऑफ 100 रुपीज़ इन प्राइस. सो अगर मैं प्राइस को 100 रुपये से चेंज करूंगा तो 200 से मेरी क्वांटिटी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. यानी अगर मुझे ए माइनस बी क्यू में से ए को निकालना हो, तो ए क्या होता है, एक ऐसा प्राइस है जहां पर मेरी डिमांड क्या होगी, ज़ीरो. यानी ज़ीरो यूनिट्स अगर मुझे सेल आउट करनी है तो मेरा प्राइस यहां पर क्या होना चाहिए, समझ रहे हो. मैं मुझे ये निकालना होगा बिकॉज ए मुझे क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है. तो ये कैसे निकालेंगे, देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, बट ICI ने इसको दो तरीकों से आंसर को निकाल के दिखाया है, तो हम दोनों को एक बार रीड आउट कर लेंगे. चलिए आगे शुरू करते हैं. गिवन एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 पर यूनिट डिमांड विल बी 1000 यूनिट्स, ये वाली बात यहाँ पर इन्होंने की हुई है. आगे देखते हैं, ये आंसर मैं खुद भी करा सकता हूँ, बट ICI ने डुअल पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट की है, इसलिए इसका आंसर हम पढ़ रहे हैं. फॉर एवरी 100 पर यूनिट इंक्रीज, जी हाँ, द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज बाय 200. जी हाँ, ये स्लोप का फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. आगे देखते हैं, अ 500 पर यूनिट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस. अगर मैं सेलिंग प्राइस में 500 का इंक्रीज ले आऊं, अब ये ध्यान से सुनते जाना, अगर मैं प्राइस में 500 का इंक्रीज ले आऊं, तो मेरी क्वांटिटी पे कितना फर्क पड़ेगा, जी हाँ, मुझे 1000 यूनिट्स का फर्क देखने को मिलेगा. सो अगर मुझे इस 1000 को जीरो पर लेकर आना है, तो मुझे प्राइस में कितना चेंज करना होगा,
500 का चेंज मुझे करना होगा, यानी मुझे 1500 का प्राइस इसको लेकर आना होगा। आईसीआई ने कुछ इस तरीके से इसे सॉल्व किया है, हालांकि इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है जो मैं फॉलो करता हूं, तो वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, सो हेंस मेरी ए की वैल्यू आ गई 1500 पर यूनिट की, और मेरी स्लोप की वैल्यू आ गई 0.5 की। ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, और नंबर ऑफ क्वांटिटी हमें पहले ही गिवन है क्वेश्चन में 480, तो प्राइस हम इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज 1260 रुपीज। सो स्पोर्ट्स को जो प्रोडक्ट है वो 1260 पे सेल आउट करना चाहिए। अब ये वो वाला तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसे फॉलो मत कीजिए, बिकॉज ये आंसर पढ़ने के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि आईसीआई अगर मार्क्स देगा तो वो इस तरीके से देने वाला है। ये एक शॉर्टकट मेथड है जो जनरली ओरल कैलकुलेशंस के लिए काम आता है। खैर इसमें क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस विल लीड टू 20% डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट 100% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस विल लीड टू 200% डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, Here we can produce only 480 units, which amounts to 52% decrease in units. मेरे को 1000 units का डेटा दिया हुआ था दोस्तों, अगर 1000 में से मुझे 480 units बनानी है तो मुझे कितना रिडक्शन करना पड़ेगा, 52% का। क्वांटिटी में 52% रिडक्शन, तो प्राइस में कितना रिडक्शन करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे 26% से। और अभी करंट प्राइस मेरा कितना चल रहा है, मेरा करंट प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज़। सो अगर मैं 1000 + 26% कर दूं तो मेरा आ जाएगा 1260 आंसर। यानी कि जो प्राइस हमने ये इक्वेशन से निकाला है वो वैसे तो ऑरली हम निकाल सकते हैं, बट अगेन मार्क्स लेने के लिए आईसीआई का तरीका फॉलो कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं जो है थियरी पोर्शन। बेसिकली हमें स्कीमिंग और पेनिट्रेशन को कंपेयर कर दिखाना है, और एथनिक प्रोडक्ट के लिए कौन सी पॉलिसी सुटेबल होगी ये बताना है। सो स्कीमिंग पॉलिसी इज मोर सुटेबल, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, और पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्यों सुटेबल नहीं होगी उसके लिए कुछ इन्होंने कीवर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सो काइंडली आप इसे रेफर कर सकते हैं, आई थिंक कोई इशू नहीं आएगा। वैसे ही जो पार्ट सी है उसमें हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस के बेस पर प्राइस और क्वांटिटी पे किसी प्रोडक्ट के क्या फ़र्क पड़ता है वो हमें देखना है और डिस्कशन करना है। तो ये इन्होंने किया हुआ है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, चार स्टेजेस होती हैं, और सभी स्टेजेस में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं वो इन्होंने बताया हुआ है। तो एग्ज़ाम में कोई थियरी क्वेश्चन आया तो इस तरीके का आंसर जो है वो आपको फुल मार्क्स गेन करने में मदद करेगा, बट इन वीडियोस में हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, हैंस ये पूरा थियरी पोर्शन है, इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। और ईजी है, अगर आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की थियरी करी हुई है चैप्टर नंबर 4 में, सो सेम आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्राइसिंग डिसीजन का तो वैसे भी ये टॉपिक है ही नहीं है। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा बिल्कुल थियरी बेस्ड इजी क्वेश्चन है, सो आप इसे एक बार रीड कर लेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर डन होता है। हमने सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देख लिया है, और अगर कोई भी इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले चैप्टर की वीडियो में।